हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक पड़ी। टेक पड़ी के चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत करती हूँ। आई होप मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, पर मुझे पता नहीं चल रहा क्योंकि आप लोग कमेंट्स करके तो बता नहीं रहे हो कि मेरा वीडियो पसंद आ भी रहे या नहीं। तो मैं डीमोटिवेट हो रही हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, मोटिवेट मी, कमेंट्स करके बताइए मुझे कैसा बन रहा है वीडियोस। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं जैसे कि अभी ट्रेंडिंग में टिकटॉक बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आज मैं आपको टिकटॉक के बारे में बताऊंगी। पर उससे पहले थैंक यू जो जो मेरे वीडियो को एकदम अच्छे से देख रहे हैं आप सभी लोग, और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं मुझे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज का वीडियो प्लीज़ बिना स्किप करिए पूरा देखिएगा, नहीं तो क्या पता मेन पॉइंट्स आप लोग का छूट जाए। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगी टिकटॉक के बारे में जिससे आपका वीडियो वायरल भी हो सकता है और व्यूज भी बहुत आएंगे। 99% चांसेस है कुछ पॉइंट्स का अगर आप लोग ध्यान रख ले। तो फ्रेंड्स प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर पूरा देखेंगे तो क्या लास्ट का पॉइंट भी नहीं छूटेगा, और क्या पता लास्ट का पॉइंट ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं, और मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट ही होगा इस पर। तो 3 मिनट तो आप लोग दे ही सकते हो मुझे, शायद इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, टिकटॉक में हम लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हम लोग का कैमरा क्वालिटी एकदम अच्छा होना चाहिए और क्लियरिटी होनी चाहिए वीडियो में। उससे क्या होता है कि मतलब हम लोग वीडियो देखते हैं दूसरा का, तो हम लोग भी अगर क्लियर नहीं आता तो वीडियो को हम लोग स्लाइड कर देते हैं, नहीं देखते पूरा। तो मैं भी यही करती हूँ, दूसरा का वीडियो देखती हूँ क्लियर नहीं होता तो हटा देती हूँ। मैं खुद एक टिकटॉक बनाती हूँ, मैं खुद एक टिकटॉकर हूँ, मेरा आईडी है परिंदी बजाज नाम से। तो फ्रेंड्स प्लीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है वीडियो, वरना कोई नहीं देखते उसे, आधा में देख के छोड़ देते हैं, 2 सेकेंड 3 सेकेंड देखते हैं तो वो फिर आगे नहीं जाती वीडियो। अगर हम लोग 15 सेकेंड 14 सेकेंड 13 सेकेंड पूरा देख लेते हैं तो वीडियोज़ आगे बढ़ने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो कैमरा क्वालिटी और क्लियरिटी ज़्यादा ज़रूरी है, और बैकग्राउंड अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है साथ में। बैकग्राउंड से आप लोगों का लुक आता है, बैकग्राउंड से एकदम गेटअप आता है एकदम आप लोग को। तो फ्रेंड्स बैकग्राउंड का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, और सबको पब्लिकली बनाने में बहुत शर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स टिकटॉक बनाना है तो शर्म मत कीजिए, सबको पसंद है टिकटॉक। टिकटॉक एकदम खुले दिल से बनाइए और एकदम खुल कर बनाइए। तो फ्रेंड्स पब्लिक में भी आप लोग टिकटॉक बनाइए, एकदम अच्छा प्लेस में भी टिकटॉक बनाइए, जहाँ जाओ वहाँ टिकटॉक बनाइए, अच्छा प्लेस दिखे वहाँ टिकटॉक बना लीजिए। तो फ्रेंड्स उससे क्या होगा, बैकग्राउंड चेंजेस होते रहेगा हम लोग का, तो अच्छा लगता है, वो रियल नेचर भी आता है हम लोग का, तो वो भी अच्छा लगता है ना सबको देखना। और फ्रेंड्स टिकटॉक बनाने के लिए आप लोगों को और हम लोग एक गलती करते हैं, ये गलती ना करें तो भी टिकटॉक वायरल हो सकता है। हम लोग खुद का वीडियोस खुद ही देखते रहते हैं, इतना अच्छा लगता है हमें खुद का वीडियोस देखना, बट ये गलत है, मैंने भी सेम ही किया है, पर अब मुझे समझ में आया तो मैं देखना छोड़ दी, तो मेरा व्यूज़ भी आने लगा है। आप लोग मेरा टिकटॉक आईडी में जाके देख सकते हैं, मेरा नाम है परिनिधि बजाज नाम से मेरा टिकटॉक है। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स अगर आप लोग को आपका वीडियोस देखना ही है तो आप लोग दूसरे के फ़ोन से देख लीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन से, लेकिन खुद के फ़ोन से मत देखिए प्लीज़। और लास्ट बात ये है कि हम लोग खुद का वीडियोस डिलीट कर देते हैं, हम लोग को पसंद नहीं आता तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं अच्छा नहीं है, इसे डिलीट कर देते हैं। लाइक नहीं आता तो सोचते हैं इसे डिलीट कर देते हैं, पर ये गलत है, डिलीट नहीं करना चाहिए हम लोगों को अपना वीडियोस। अगर आपको नहीं दिखाना है, पब्लिक में नहीं शो करना है, तो आप लोग उसे हाइड कर सकते हो, आप लोग उसे हाइड कर दीजिए प्लस, पर प्लीज़ डिलीट करने का भूल मत कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों ने मेरा वीडियो पूरा वॉच किया है और आप लोगों को पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस बार प्लीज़ कॉमेंट करिए, मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। प्लीज़ थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।